चुप रहेंगे, सब कुछ आपकी बीवी की वजह से हो रहा है। उस धोखेबाज चार बाज लड़की ने पता नहीं क्या कुछ कहा कि मेरी अम्मी अब्बू मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बीवी को गाली दोगे तो मेरी होती ना, तुम्हें एक लाख ना लगा तो 100,000,000 दिल्ली में अपने बेटे को खामोश करवा लीजिए और ना जहन्नम का नाश कर। मेरी शादी उजाला से हो या ना हो, तुम या तुम्हारी बीवी कुछ नहीं होते मेरे मामलात में बोलने वाले। सुहेब, सुहेब क्या बदतमीजी है, बड़ा भाई है तुम्हारा। और वैसे भी उस लड़की का ना रिश्ता तय हो चुका है, 2-3 दिन में उसकी शादी होने जा रही, समझ गए तुम? मैं नहीं मानता ऐसे किसी रिश्ते को। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है भाई, उनकी बेटी है, वो जहाँ चाहे उसे ब्याहें, तुम कौन हो तो इतराज करने वाले? बाबा मैं मोहब्बत करता हूँ जाला से, मैं नहीं देख सकता। चुप! मैं नहीं देख सकता उसे किसी और का होते हुए। तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ। बाबा, बाबा, अम्मी, आप लोग तो मेरा साथ दें कम से कम। मुझे नहीं पता कि किरण भाभी ने पता नहीं क्या कहा है कि आप लोग मेरी खुशियों का गला घोंट रहे हैं। आप लोग तो मेरा साथ दें ना, आप तो माँ बाप है मेरे। सुहेब तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। खुदा के लिए मेरा साथ दे, मैं उसको अपनाना चाहता हूँ, उसको अपने घर लेकर आना चाहता हूँ, इज्जत और एहतराम के साथ घर लेकर आना चाहता हूँ। बस सुहेब, बस बहुत हो गया। अब उस लड़की का तुम्हारी जबान पे नाम भी आया ना तो अच्छा नहीं होगा। भूल गए वो दिन जब पुलिस स्टेशन से तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर आए थे और हम पर कयामत टूटी हुई थी, इतनी जल्दी भूल गए? जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। क्या कह रहा हूँ, जाओ कमरे में।